The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. सवाल आता है स्टैटिन यानी कोलेस्ट्रॉल की दवाओं के ऊपर कई सारे डेंजरस रिस्क फैक्टर्स लेबल्ड हैं और तो ये रेयर होते हैं लेकिन होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के आपको हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं हम ऑलवेज बताते रहते हैं और हमेशा आपको दवाओं के बेनिफिट और उसके रिस्क को वे करना पड़ता है असेस करना पड़ता है कि इस पेशेंट में रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है और ये समय के अनुसार बदलता रह सकता है कि अब हो सकता है कुछ समय बाद रिस्क बढ़ गया तो हमें दवाई बंद करनी हो इसीलिए वैसी ही एक दवा है आपके सामने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं जिनको हम स्टैटिन्स बोलते हैं सो स्टैटिन्स बहुत इफेक्टिव हो कोलेस्ट्रॉल कम करने में हार्ट के अटैक स्ट्रोक सबको प्रोटेक्ट करने में इसीलिए ज़रूरी भी होती हैं कुछ केसेस में गाइडलाइंस हमने ऑलरेडी बताई हैं आपको एक पर्टिकुलर पहले उसके अलावा साइड इफेक्ट्स भी इसके बिल्कुल बिल्कुल सच हैं बिल्कुल होते हैं और डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं अगर आपका रिस्क ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल का हार्ट पे स्ट्रोक में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उम्र ज़्यादा है रिस्क तो इन सारे केसेस में लेकिन जो लेके आते हैं हमारे सामने रिस्क वो होते हैं सबसे कॉमन मसल पेन्स डाइजेशन प्रॉब्लम मेंटल फजीनेस ये सारे और रेयर केसेस में लिवर डैमेज ये सारी चीज़ें स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टैटिन अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी दवाएं आपके आसपास ही मिलेंगी ऑल्दो ब्रांड नेम अलग होगा फिर से बता दूं लेकिन जेनरिकली दवा की बात कर सकते हैं क्योंकि ब्रांड तो हजारों हैं तो ब्रांड में नहीं जा सकते जेनरिक दवा यानी अटोरवास्टैटिन फ्लूवास्टैटिन लोरवास्टैटिन पीवास्टैटिन रोसुवास्टैटिन प्रावास्टैटिन सिमवास्टैटिन इन सारे को स्टैटिन कहते हैं ये आपको हार्ट के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लिए या स्ट्रोक के लिए भी दिए जा सकता है और अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए ये सब जानना जरूरी है कि उसके साइड इफेक्ट होते हैं तो कैसे होते हैं क्यों होते हैं और कब होते हैं किसको होते हैं और साइड इफेक्ट क्या है राइट और ज़रूरत है कि नहीं है आपको उसके लिए आप स्टैटिन वाला दूसरा वीडियो और स्टैटिन के साइड इफेक्ट नंबर वन साइड इफेक्ट है मसल पेन और डैमेज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ है कि मसल्स में पेन हो रही है वीकनेस लग रही है टायर्डनेस लग रही है ये कई बार एक माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है कई बार ये इतना सिवियर भी हो सकता है कि आप अपने काम धंधे ना कर पाओ और इसके लिए देखा गया है ये जो है इसका एक नोसीबो इफेक्ट है नोसीबो इफेक्ट माना गया है स्टैटिन्स और पेन का मतलब पीपल हु हैव नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मेडिसिन आपको लगता है कि ये दवाई है ये नुकसान कर सकती है नुकसान करेगी और वो नुकसान करेगी माइंडसेट आपको पेन करवाता है ये देखा गया है इस दवा के साथ में मसल पेन या मसल जब पेन के बारे में बात करो तो जब नोसीबो इफेक्ट है मतलब वहाँ एक्चुअली में मसल में डैमेज वैमेज नहीं हो रहा ठीक है जो एक्चुअल रिस्क होता है कि मसल्स में कोई पेन डेवलप होगा कोलेस्ट्रॉल की दवा के साथ वो होता है केवल 5% मतलब 100 लोगों का दिया तो सिर्फ 5% लोगों को मसल पेन हो सकता है बाकी 50% लोग हो सकता है ऐसी आ जाए कि मेरे को ना पता नहीं क्यों वीकनेस हो रही है सर दवाई लग रहा है ज़्यादा खा रहा हूँ मैं बहुत कमजोरी हो रही है राइट सो दैट कैन बी देयर कई लोगों को 10-10 दवाई देख के कमजोरी होने लगता है इतनी दवा मैं नहीं खा सकता यार मेरे से नहीं होता मैं बंद कर दूंगा सब कुछ फिर डॉक्टर को देखना पड़ता है भाई कम से कम जरूरी वाला तो ले लो भाई ऐसे ना करो ठीक है फिर अटैक वटैक लेके आ जाओगे हमारे सामने फिर गड़बड़ सो स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है इसका कि आपके मन में क्या बैठा हुआ है कि आपको क्या होगा राइट सो किसी भी प्रकार से स्टैटिन्स में जरूर ये है कि जैसे 5% केस में मसल पेन हो सकता है वेरी वेरी रेयर बात हो गई यानी लाखों करोड़ों में किसी एक दो को हो सकता है कि मसल डैमेज होने लगे रैप्डोमायोलाइसिस होने लगे लेकिन नॉट इन नहीं कि हर एक को हो रहा है नॉट डो नॉट थिंक लाइक दैट इट इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली रेयर साइड इफेक्ट जिसमें मसल डैमेज होके उसके एंजाइम्स बाहर निकलने लग जाते हैं किडनी लिवर डैमेज कर सकता है इवन डेथ हो सकती है सो इसीलिए ऐसी कोई भी दवा लेते हो तो अपने डॉक्टर के पास जब भी वो बुलाता है तो रेगुलर जाए करो चेकअप कराया करो ब्लड टेस्ट किया करो डोंट बी मैं नहीं कराऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता खाई जाओ ऐसे भी नहीं करना ठीक है
वन थिंग हो गया मसल, सेकंड इज लिवर, लिवर डैमेज. लिवर डैमेज कैसे हो जा रहा है? ओकेजनली होता है, ओकेजनली लिवर एंजाइम्स बड़े हुए पाए जाते हैं, लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन पाया जाता है. नॉट लाइक लिवर डैमेज हो जाएगा, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा जिंदगी भर, लिवर की ऐसी तैसी हो जाएगी, नहीं. लिवर में इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है, माइल्डली बढ़ता है, कई बार दवाई से ज्यादा होने लगता है तो दवाई बंद करनी पड़ती है, बट देन यू हैव टू चेक, राइट. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चेक ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लिवर प्रॉब्लम्स आर रेयर, इसीलिए लिवर एंजाइम का टेस्ट पहले किया जाता है, स्टैटिन चालू करने से पहले और बीच बीच में, तीन दो महीने, तीन महीने के गैप में या छः महीने में करना चाहिए. स्टैटिन अगर आप लॉन्ग टर्म लेने वाले हैं तब तो बहुत ज़रूरी है लिवर का रेगुलर मॉनिटरिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, फटीक लग रहा है, तब खाने का कम खाना कम पच नहीं रहा, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, यूरिन कलर डार्क आ रहा है, या फिर स्किन येलो हो रही है, जॉन्डिस हो रहा है, तब तो फिर तुरंत कराना पड़ सकता है. इंक्रीज ब्लड शुगर या टाइप 2 डायबिटीज भी स्टैटिन का एक प्रोक्लेम्ड साइड इफेक्ट है, उसमें आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है जब आप स्टैटिन ले रहे हैं. टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकती है लॉन्ग टर्म यूज में, इसीलिए स्टैटिन पे, स्टैटिन दवाइयों को कई बार नहीं यूज किया जाता. और गाइडलाइंस के अनुसार भी मिनिमम अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट अटैक का रिस्क है तभी आपको स्टैटिन देनी चाहिए, या फिर एलडीएल लेवल 190 के ऊपर है तब देनी चाहिए, या अगर आपको डायबिटीज ऑलरेडी है तो एक बार है तो फिर दोबारा थोड़ी हो जाएगी, फिर आप ले सकते हो, तब आप कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो. तो ये हिसाब किताब है, जस्ट होल्ड ऑन, एक हमें बताना पड़ेगा. हाँ बेटा, वो दरवाजे पे नॉक उसको दे दो, गार्ड को दे दो वहां पे. हाँ, दरवाजे के नॉक करके ना गार्ड आएगा, गार्ड को दे दो, ठीक है, उसे कहना डॉक्टर परमजीत का है, सॉरी फॉर दैट. सो ब्लड शुगर इज अ प्रॉब्लम, ब्लड शुगर हाई हो सकती है अगर आपको डायबिटीज नहीं है, अगर है डायबिटीज तब तो कोई दिक्कत नहीं है. सो दैट इज देयर डायबिटीज, लिवर, मसल, और फोर्थ है न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट. न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट, मेमोरी, कंफ्यूजन, ये देखा गया है. और साइड इफेक्ट जो है ये टेम्पररी होता है, ये देखा गया है कि जब हम स्टैटिन बंद कर देते हैं तो ये न्यूरोलॉजिकल टेम्पररी साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है, राइट. अभी फिलहाल ये कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट या कुछ लोगों में ये भी देखा गया है. ऐसा भी नहीं कि हर एक में होता है, हर एक साइड इफेक्ट, सम पीपल हैव दिस, सम पीपल हैव दैट, सम पीपल हैव नथिंग. ज्यादातर लोगों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर कुछ में भी होता है तो हमारे लिए वो जरूरी है, हमारे लिए सेफ्टी जरूरी है, इसलिए हम मॉनिटरिंग करते हैं. और अगर कोई पेशेंट है ऑलरेडी जिसमें ब्रेन फंक्शन का प्रॉब्लम है, डिमेंशिया है, या कोई मान लीजिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो फिर उनको स्टैटिन वैटिन पे नहीं रखा जाता या अवॉइड किया जाता है. सो याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझना, साइड इफेक्ट्स हैं स्टैटिन के लेकिन हर एक में नहीं होते, और हर एक इंसान उसके साइड इफेक्ट के लिए रिस्क में भी नहीं है. रिस्क किसको है? अगर आप एक से ज्यादा दवाइयां ले रहे हो स्टैटिन कम करने को, कोलेस्ट्रॉल कम करने की, अगर आप फीमेल को ज्यादा रिस्क है, 80 साल के ऊपर के लोगों को ज्यादा रिस्क है कोलेस्ट्रॉल की दवाओं से साइड इफेक्ट होने का, अगर आपकी बॉडी छोटी है, थैंक यू गॉड भैया, अगर आपकी बॉडी छोटी है, स्ट्रक्चर छोटा है, किडनी ऑलरेडी डैमेज है, लिवर ऑलरेडी डैमेज है, बहुत ज्यादा दारू पीते हो तो वो भी लिवर डैमेज कर रहा है, और यहाँ से स्टैटिन भी दे रहे हो. अगर आपको मान लो अनकंट्रोल्ड कोई और, मान लो डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, थायराइड अनकंट्रोल्ड है, या कोई ब्रेन की बीमारी है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, एमायलोट्रोपिक लेटर स्क्लेरोसिस, ऐसी बीमारियां हैं, तो आपको साइड इफेक्ट्स के भी रिस्क ज्यादा है. बड़ी सिंपल सी, सिंपल सा फंडा है. इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो स्टैटिन के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जैसे कि ग्रेप फ्रूट जूस. जी हाँ, ग्रेप फ्रूट जूस के अंदर एक केमिकल होता है जो इंटरफियर करता है विद द एंजाइम जो कि एक्चुअली स्टैटिन को ब्रेक डाउन करते हैं. तो अगर आप ग्रेप फ्रूट जूस और स्टैटिन लेते हैं तो अल्टीमेटली स्टैटिन आपके बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं होंगे, राइट. मेटाबोलाइज ही नहीं होंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो क्या फायदा. और तो ग्रेप फ्रूट जूस आपको स्टैटिन के साथ नहीं लेना है, 4-6 घंटे का गैप रखना है, सुबह ले लो, शाम को स्टैटिन लेते हैं तो शाम को वो ले लो. दूसरी कई सारी दवाइयां हैं जो स्टैटिन के साथ इंटरैक्शन करती हैं, जैसे कि धड़कन वाली एमियोडोरोन,
एचआईवी की मेडिसिंस, फिर एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी फंगल, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इट्राकोनाजोल, साइक्लोस्पोरिन, ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जो स्टैटिन के साथ में इंट्रैक्शन करती हैं। या आपको क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टैटिन जरूरी है, आपके डॉक्टर ने बोला है और आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं? नंबर वन, अपने डॉक्टर से डिस्कस करो। यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द स्टैटिन, थोड़े दिन बंद कर सकते हो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डेंजरस नहीं है, या फिर स्टैटिन अलग चेंज कर सकते हो। स्टैटिन में कुछ कुछ स्टैटिन है जिसमें कम साइड इफेक्ट, कुछ ज्यादा। जैसे अगर एटोरोवा स्टैटिन ले रहे हो तो रोसोवा स्टैटिन या सिमवा स्टिमवा स्टैटिन पे जा सकते हो, राइट। फिर डोज चेंज कर सकते हो, 40 है तो 20, 20 है तो 10, धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन दैट। जब एक्सरसाइज करते हो तो कम एक्सरसाइज करो, आराम आराम से एक्सरसाइज करो, ऐसे कर सकते हो। दूसरे भी स्टैटिन जो है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल कम, और भी दवाइयां स्टैटिन के अलावा, जैसे आपको लगता है तो आप दूसरी दवाइयों पे आ सकते हो जो अपने डॉक्टर से आपने डिस्कस करना है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। और कोएंजाइम Q10 सप्लीमेंट है एक, जो कि पोटेंशियली स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स को कम करता है या प्रिवेंट करता है कई लोगों में, तो वो भी आप ले सकते हो। CoQ10, कोएंजाइम Q10 थोड़ा महंगा आता है, बट देन वन थिंग विच इज अवेलेबल वो आपको बताना चाहिए। सो दैट इज देयर। अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो आपका और आपके डॉक्टर का है मिलके, कि आपका रिस्क कितना है, आपका बेनिफिट कितना है एक स्टैटिन के इस्तेमाल से। तो क्या अगर आपका एक स्टैटिन के इस्तेमाल से आगे आने वाले हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है और थोड़ा बहुत मसल पेन होता है तो चलेगा, है कि नहीं? चलेगी। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर देयर। डोंट गेट यू नो फ्रस्ट्रेटेड ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। डिस्कस दिस विथ योर डॉक्टर। अगर डॉक्टर डिस्कस नहीं करता तो चेंज योर डॉक्टर, बट देन टेक यू नो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ नहीं, तो आपके केस में पूरी तरह से लाइफ को करेक्ट करने की कोशिश करो, और दवाई की ज़रूरत है तो दवाई लो, बिना डॉक्टर से डिस्कस करे दवाई बंद मत करो। दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल मेडिसिंस। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। टू शेयर।